दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही सभी पार्टियों ने मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। हर पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को खोज रही है और उम्मीदवार भी अपनी उम्मीदवारी को पुख्ता करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और आज जो मैं जिस मुद्दे पर बातचीत करना चाहता हूं वो ये है कि ये हरियाणा के चुनावों में, हरियाणा की राजनीति में ये शायद पहला मौका है कि कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, जबकि इससे पहले आप यदि आप 20-30 साल की भी बात करें तो ये हालत लगभग कभी नहीं थी। और मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आखिर इनेलो इतनी कमजोर हुई तो क्यों हुई, सत्ता से बाहर हुई तो क्यों हुई। कई बार, कितने ही वर्ष हरियाणा पर राज करने वाली इनेलो या चौटाला परिवार आज जितना कमजोर है वो इतना कभी नहीं था। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और मैं क्या मानता हूं या राजनीतिक पंडित जो मानते हैं कि इसके लिए इनेलों की नीतियां, चौटाला परिवार में बिखराव, सबका अपना अपना ढपली, अपना अपना राग, एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत झोंकना और जानते हुए भी एक मंच पर नहीं आना। सब जानते हैं कि जब तक चौटाला परिवार का देवीलाल परिवार संगठित नहीं होगा, एक मंच पर नहीं आएगा, उसकी राजनीति में सफल होने या सत्ता में लौटने का ख्वाब ही बना रहेगा। और इसके लिए मैं कोई लंबी चौड़ी बातचीत आपसे नहीं करना चाहता और लंबी बात भी नहीं करना चाहता, सिर्फ 10 साल पहले की बात करना चाहता हूं। दोस्तों, जब 2014 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें पहली बार भाजपा को 90 में से 47 सीटें मिली थी और वोट शेयर था 33.3%। और आप जानते हैं कि 2014 के चुनावों में कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई थी। आंकड़ों की बात करें, वोट प्रतिशत की बात करें, विधायकों के जीतने की बात करें तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई थी और इनेलो ने कांग्रेस को पछाड़ दिया था, विधायकों की संख्या के आधार पर भी और वोट प्रतिशत के आधार पर भी। तो मैं उसका आपको थोड़ा सा आंकड़ा बताने जा रहा हूं। मैंने बताया कि बीजेपी को 90 में से 47 सीटें मिली थी। हरियाणा के इतिहास में पहली बार भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़कर बहुमत में आई थी और सत्ता में कब्जा किया था। 33.3% वोट शेयर था। कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी 90 में से और उसका वोट शेयर था 20.7%। और दोस्तों, आप जानते हो कि इनेलो को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली, कांग्रेस को 15 तो इनेलो को 19 सीटें मिली थी, यानी इनेलो 19 सीट जिता कर लाए थे, वो भी उस हालात में अभय चौटाला के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, जबकि अजय चौटाला और बड़े चौटाला ओम प्रकाश चौटाला उस समय एक केस के मामले में जेल में थे। उसके बावजूद अभय चौटाला इनेलो के 19 विधायक जिता कर लाए और जानते हैं आप
वोट प्रतिशतता 24.2%, यानी इनेलो को 24.2% वोट मिले थे, जो बहुत बड़ी बात थी, और दूसरे नंबर पर इनेलो रही थी। लेकिन उसके बाद जब इनेलो दो फाड़ हुई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत अपने पोते दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला को पार्टी से बाहर कर दिया। एक जनसभा में उन्होंने घोषणा कर दी और इनेलो का सर्वे सर्वा अभय चौटाला को बना दिया। तो दोस्तों, यहीं से इनेलो की राजनीति कमजोर पड़ गई। चौटाला परिवार की राजनीति एक तरीके से जमीन पर औंधे मुंह आ गिरी। उस चुनाव में जो वोट मिले थे इनेलो को, सिर्फ इनेलो का सिर्फ एक विधायक जीता, वो भी अभय चौटाला के रूप में, और वोट प्रतिशत 24% से घटकर 2.4% पर आ गया। कितना बड़ा झटका था इनेलो के लिए, जबकि दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला ने जो अपनी जेजेपी बनाई थी वो 10 सीट जीत गए और 14.8% वोट लेने में भी कामयाब हो गए। यानी जाट समुदाय ने या इनेलो के समर्थक वोटरों ने इनेलो को नकार दिया और दुष्यंत चौटाला को अपना नेता मान लिया और उनको 10 सीटों पर जिता दिया और 14% से ज्यादा जजपा 14.8% यानी लगभग 15% वोट लेने में दुष्यंत चौटाला कामयाब हुए। लेकिन दोस्तों, 2019 के बाद तो लगातार जेजेपी और इनेलो ऊंचाइयों से नीचे की तरफ गिरते 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 जीरो की आसपास पहुंच लिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी ताकतवर पार्टी जो कई बार सत्ता में रही, हरियाणा की सत्ता ताऊ देवीलाल चौटाला परिवार ने संभाली, तो इतने नीचे इनेलो का गिरना, चौटाला परिवार का राजनीतिक रूप से इतना कमजोर होना, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि स्वयं बड़े चौटाला जी का, पार्टी को दो भाड़ करना, परिवार में बिखराव होना, अपनी अपनी ढपली, अपनी अपना राग अलापना, उसके चलते इनेलो की ये दुर्गति हुई है। और दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा इनेलो के समर्थकों से, जेजेपी के समर्थकों से, कि जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं उनके अनुसार आने वाले विधानसभा चुनाव में, जिनकी घोषणा हो चुकी है, जजपा और इनेलो की स्थिति कोई बहुत ज्यादा बेहतर होने नहीं जा रही है। वो बात अलग है कि अभय चौटाला ने हरियाणा में बसपा से चुनावी गठबंधन करके किसी हद तक अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, लेकिन उस सब के बावजूद जेजेपी और इनेलो का अलग अलग चुनाव लड़ना चौटाला परिवार के लिए घातक ही सिद्ध होने जा रहा है। और इन चुनावों में भी चौटाला परिवार के लिए और इनेलो जेजेपी के लिए कोई बहुत अच्छी भविष्यवाणियां नहीं की जा रही है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि चौटाला परिवार, इनेलो पार्टी के जो
पाताल में पहुंचने के कारण है, इतने कमजोर होने के कारण है, उसके लिए स्वयं चौटाला परिवार ही जिम्मेदार है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना, अपने कमेंट्स भी हमें भेजते रहें, जिससे हमें आभास होता रहे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में हैं, जो हम वीडियो बना रहे हैं या स्टोरीज आपके सामने रख रहे हैं क्या वो निष्पक्ष हैं और हम सही आंकड़े पेश कर पा रहे हैं या सही भविष्यवाणियां पेश कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ नए एपिसोड में। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।